पढ़ेंगे बात बेनी प्रसाद वर्मा के बड़बोले बोल की। कांग्रेस नेता बेनी प्रसाद वर्मा ने एक बार फिर से दिया है आपत्तिजनक बयान। बेनी ने समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव पर बयान देते देते सारी हदें पार कर दी। प्रधानमंत्री बनने प्रधानमंत्री के घर के झाड़ू लगाने वाले नौकरी छुपा नहीं सकते। बेनी बाबू का एक और बेतुका बयान सामने आया है। केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव को लेकर अपनी कड़वाहट उगली है, लेकिन इस बार तो उन्होंने हद पार कर दी। समाजवादी पार्टी झूठ फरेब पे आधारित है। झूठ फरेब को हम उत्तर प्रदेश की राजनीति से समाप्त कर सकते हैं, उसमें समाजवादी पार्टी भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए जुड़ते हैं, इनका धंधा बंद हो जाएगा ना। मतदान दे रहे हैं, सरकार में आराम करने हैं, उनको सपने में एनएक्सी याद आएगा। प्रधानमंत्री बनने प्रधानमंत्री के घर के झाड़ू लगाने वाले नौकरी छुपा नहीं सकते। कभी सियासत में दोस्त रहे बेनी को मुलायम अब फूटी आंख नहीं सुहाते। वो मुलायम पर बोलते हैं तो आग उगलते हैं। हालांकि अभी अप्रैल में ही खबर आई थी कि बेनी प्रसाद वर्मा को पार्टी दफ्तर में तलब किया गया और उन्हें बेवजह की बयानबाजी बंद करने को कहा गया, लेकिन बेनी बाबू की एक पहचान उनके बयानबाजी भी है। शायद वो भी इसे बखूबी समझते हैं। अबुल बशर, फैजाबाद, इंडिया न्यूज। बेनी प्रसाद वर्मा के बड़बोले बोल तो आपने देखे, इस पर आजम खान ने क्या प्रतिक्रिया दी है वो सुनाते हैं आपको। अगर मुलायम सिंह यादव जी या समाजवादी पार्टी केंद्र सरकार से समर्थन वापस लेगी तो गुजरात के कातिलों को मौका मिल जाएगा। समाजवादी पार्टी झूठ फरेब पे आधारित है। झूठ फरेब को हम उत्तर प्रदेश की राजनीति से समाप्त कर सकते हैं, उसमें समाजवादी पार्टी भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए जुड़ते हैं, इनका धंधा बंद हो जाएगा ना। मतदान दे रहे हैं, सरकार में आराम करने हैं, उनको सपने में एनएक्सी याद आएगा। प्रधानमंत्री बनने प्रधानमंत्री के घर के झाड़ू लगाने वाले नौकरी छुपा नहीं सकते।